हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनीता लाइफ विथ ब्यूटी। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा मन किया कि आप लोगों के सामने मैं अपने द्वारा लिखी गई कुछ लाइनें सुनाऊं, तो बस आप लोगों के सामने आ गई हूं। अच्छी लगे, बुरी लगे, जैसी भी लगे, ये मेरे द्वारा लिखी गई लाइनें हैं, जिसका शीर्षक है हमें कुछ गुमान हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कुछ गुमान हो गया था, हमें कुछ गुमान हो गया था कि ये रिश्ते मेरे अपने हैं। हमें कुछ गुमान हो गया था कि ये रिश्ते मेरे अपने हैं, पर अफसोस ये गुमान भी आखिर टूट गया। पर अफसोस ये गुमान भी आखिर टूट गया, जिसको हमने अपना समझा। ये थी मेरी भूल। ये रिश्ते तो कांच के टुकड़े हैं जो कि चकनाचूर हो जाते हैं। हम जितना बांधे वो उतना ही दूर हो जाते हैं। अब तो रिश्तों के नाम से भी डर लगता है कहीं फिर से दिल टूट ना जाए। इससे जी घबराता है। समझ लिया है अब तो मैंने सब मतलब के रिश्ते हैं। जिसको अपना समझो वो ही बेगाने हो जाते हैं। लेकिन खैर होश आ गया। फिर इन रिश्तों में ना बंधना है। ये सब मतलब के रिश्ते हैं। हमें कुछ गुमान हो गया था कि ये रिश्ते मेरे अपने हैं। तो दोस्तों, अगर ये लाइनें जो मैंने लिखी हैं, जो मेरे दिल की बात है जो मैंने लिखी है, और इस ये किसी एक रिश्ते को सोच करके मैंने लिखा था और उसी पर लिखा था, सोचा था उसी दिन मैं आप लोगों को बता दूँगी, लेकिन समय ही नहीं मिल पाया कि मैं बताऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो, लिखा है, मेहनत किया है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी वैसे भी बताया जाए। और दोस्तों, आपको पता होना होगा कि मुझे कविता और शायरी लिखने का भी शौक़ है, जो कि मैंने अपने चैनल अनीता रियल व्लॉग में लिखा करती थी। और लेकिन अभी मैं फिर से अपने शौक़ को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरे आप भी सोचेंगे क्या क्या अनीता करती रहती है। तो दोस्तों, जो मेरा शौक़ है मैं वो करती हूँ, क्योंकि मुझे रील्स बनाने का शौक़ है, मुझे आप लोगों से बातें करने का शौक़ है, और मुझे कविता लिखने का और शायरी लिखने का भी शौक़ है, और आप लोग तो जानते ही मुझे पढ़ाने का भी बहुत अच्छा शौक़ है। तो दोस्तों, अगर मेरी लाइन अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, जो मेरे दिल की आवाज़ थी, तो अगर आप प्रोत्साहित करेंगे तो फिर से मैं और लिखूंगी और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। तो दोस्तों, धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और मेरी लाइनें सुनी, आपको दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नई लाइन, नई कविता, नई शायरी या नए व्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली।